हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आ चुका हूँ आपके लिए बॉक्स फुल ऑफ स्टेशनरी कलेक्शन का वीडियो लेके गाइस। और आज की वीडियो ये होने वाली है काफी अमेजिंग, काफी यूनिक गाइस, क्योंकि इस बॉक्स में डिफरेंट टाइप की स्टेशनरी आइटम गाइस। बिना स्किप करे पूरी वीडियो एंड तक देखना, फिर आप मुझे कमेंट करके बताना आपको इस बॉक्स की सबसे अच्छी स्टेशनरी आइटम कौन सी लगी गाइस। वीडियो अच्छी लगे तो कर देना वीडियो को लाइक दोस्तों, और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच वीवी की फैमिली की तरफ से। तो चलो फटाफट इस बॉक्स को खाली करते हैं, देखते हैं इस बॉक्स में हमें किस तरह की स्टेशनरी आइटम मिलती है और कैसी ज्योमेट्री बॉक्स मिलती है। तो सबसे पहले देखो दोस्तों इसके अंदर हमें क्या मिलता है। तो इसके अंदर मिलता है हमें एक बनाना, और ये बनाना नहीं है, ये है एक बनाना इरेजर। ये देख सकते हो काफी जबरदस्त, और ऐसा इरेजर तो दोस्तों आज तक मैंने नहीं देखा था दोस्तों। चलो फटाफट निकालता हूं और दिखाता हूं दोस्तों आपको बनाना इरेजर, फिर आप मुझे कमेंट करके बताना आपको बनाना इरेजर कैसा लगा दोस्तों। तो चलो फटाफट निकाल लेते हैं अच्छे से, और ये देखो दोस्तों निकाल लिया हमने बॉक्स से। तो ये देख सकते हो कितना जबरदस्त लग रहा है, कितना अमेजिंग लग रहा है, रियल का बनाना लग रहा है। बट दोस्तों ये है इरेजर, और इसे देख के मेरे मुंह में तो पानी आ गया दोस्तों। बनाना लुक में दोस्तों काफी जबरदस्त लग रहा है और काफी रियलिस्टिक लग रहा है ये इरेजर। तो आपको ये बनाना वाला इरेजर कैसा लगा दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो इससे दोस्तों हम बाद में अपनी पेंसिल को इरेज करके भी देखेंगे ये कैसी इरेजर है और कैसी क्वालिटी है दोस्तों। तो चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें ये क्या मिला दोस्तों, तो ये तो है एक कैंडी सेट दोस्तों। और वाह, ये तो काफी जबरदस्त है। चलो देखते हैं ये कैसी कैंडी है और किस तरह की कैंडी मिलती है इसके अंदर। कलरफुल कैंडी मिल जाती है, टोटल गाइस इसके अंदर हमें 6 कैंडी मिलती है। तो कैंडी देख सकते हो, और ये तो है गाइस एक हाइलाइटर मार्कर। अरे वाह, कैंडी लुक में। चलो देखते हैं कैसे हाइलाइटर और इनकी टिप कैसी है। तो कहां से ओपन होगा, तो यहां से दोस्तों ओपन होगा, और इसकी टिप देखो दोस्तों कितनी जबरदस्त है। चलाया तो ये देखो दोस्तों कितना अच्छा चल रहा है हाइलाइटर, काफी अच्छा हाइलाइटर है। चलो दूसरे पार्ट को भी खींच के देखते क्या है। तो दूसरी साइड देखो दोस्तों, ये तो 2-in-1 हाइलाइटर सेट है। एक साइड तो दोस्तों हमें बॉर्डर टिप मिलती है, और एक साइड दोस्तों हमें फाइन टिप मिलती है। ये तो काफी अच्छा हाइलाइटर सेट है यार, ऐसा हाइलाइटर सेट तो दोस्तों आज तक मैंने कभी भी नहीं देखा था। देख सकते हो कितना छोटा सा हाइलाइटर, दोनों साइड दोस्तों हमें टिप मिल जाती है। एक साइड तो दोस्तों हमें फाइन टिप मिलती है, और एक साइड दोस्तों हमें बॉर्डर टिप मिल जाती है। तो आपको ये कैंडी हाइलाइटर मार्कर सेट कैसा लगा दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो चलो साइड रखते और देखते दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलता है एक एस्ट्रोनॉट पेंसिल शार्पनर। और वाह, चलो देखते हैं ये एस्ट्रोनॉट वाला पेंसिल शार्पनर कैसा है, और कैसे पेंसिल को शार्प करता है, और कितना बड़ा शार्पनर मिलता है। चलो निकालते हैं। तो ये देखो दोस्तों, तो इसके सर में तो दोस्तों हमें मिलती है दो छोटे छोटे इरेजर, और एक फ्रॉग वाली और एक कैट वाली इरेजर मिल जाती है इसके अंदर। अरे भाई, ये तो काफी जबरदस्त है। सर में गए दो इरेजर मिल गई, और बैग में दोस्तों हमें शार्पनर मिल जाता है। देख सकते हो पीछे होल है, इसमें दोस्तों हम अपनी पेंसिल को डालेंगे, फिर पेंसिल को शार्प करेंगे। चलो देखते हैं शार्पनर की क्वालिटी कैसी है। तो ये देखो दोस्तों अंदर का शार्पनर कितना जबरदस्त है, काफी अच्छा शार्पनर है, एस्ट्रोनॉट वाला शार्पनर है दोस्तों। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें क्या मिला, एक स्वान दोस्तों। अरे भाई, और ये क्या, चलो देखते हैं और पन्नी से निकालते हैं। तो ये भी दोस्तों मुझे जहां तक लग रहा है पेंसिल शार्पनर है, नीचे होल से पता चल जाता है, काफी जबरदस्त लग रहा है। क्वालिटी देख सकते हो कितनी अमेजिंग है, नीचे शार्पनर मिल गया दोस्तों हमें। शार्पनर की भी क्वालिटी दिखाता हूं आपको, देख सकते हो। तो ये देखो दोस्तों ब्लेड की क्वालिटी कितनी जबरदस्त, काफी अच्छी क्वालिटी का दोस्तों ये स्वान वाला शार्पनर सेट है। तो साइड रख के और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलता है एक पैपा पिक का सेट, और ये क्या है दोस्तों, ये तो दोस्तों मुझे लग रहा है फ्लूड दोस्तों। तो ओपन करते हैं, तो ओपन किया तो ये तो है फ्लूड दोस्तों। अरे वाह, ये करेक्शन फ्लूड है, काफी अच्छा है, काफी जबरदस्त है। और सबसे अच्छी बात है ये पेपा पिक का सेट, यानी ये फ्लूड जल्दी से गिरता नहीं है। वो कैसे, तो मैं आपको दिखा दूं। तो इसे मैंने अपने हाथ पे खड़ा कर लिया, देखो जब मैं इसे गिरा रहा हूं तो ये गिर नहीं रहा है फ्लूड, ये देख सकते हो, ये काफी जबरदस्त ऑटोमेटिक अपने आप खड़ा हो जा रहा है ये फ्लूड, ये देख सकते हो। और इस फ्लूड से दोस्तों हम अपना टाइम पास भी कर सकते हैं, आपको अगेन दिखाता हूं। ये देखो दोस्तों मैंने खड़ा कर दिया, अब इसे गिराते हैं तो देखो दोस्तों गिर ही नहीं रहा ये, बस दोबारा अपने आप अपनी जगह पे आ जाता है दोस्तों, दोबारा खड़ा हो जाता है। काफी अच्छा फ्लूड है दोस्तों पेपा पिक का दोस्तों। चलो साइड रखते और देखते दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें ये क्या मिला, एक कंघा, और पीछे दोस्तों हमें डायमंड मिल जाता, और इसके अंदर मिलता हमें एक पैन। ये तो कंघे वाला पैन है, वो कैसे, चलो दिखाता हूं। ढक्कन ओपन करते हैं, तो ढक्कन ओपन किया तो इसकी टिप देखो दोस्तों कितनी पतली टिप और काफी लंबी टिप है दोस्तों। कंघे वाला
वाला पैन है दोस्तों, चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें ये क्या मिला, एक BTS की ज्योमेट्री बॉक्स, ये तो मिनी जंबो ज्योमेट्री बॉक्स है। और यहां देखो दोस्तों हमें दो दो होल मिल जाते हैं, और ये होल नहीं है दोस्तों, ये है पैन स्टैंड दोस्तों। और यहां एक बटन मिलता है, इस बटन को दबाते ही फ्लिप ओपन हो जाता है, जिससे दोस्तों हम शार्पनर को यूज कर सकते हैं। एक छोटा शार्पनर मिलता है, एक काफी बड़ा शार्पनर मिल जाता है, देख सकते हो काफी अच्छी क्वालिटी का शार्पनर मिल गया। चलो ढक्कन ओपन करते हैं, देखते हैं कितना स्पेस है इस ज्योमेट्री बॉक्स में और कितना स्टेशनरी आइटम आ जाएगा और कौन कौन है BTS आर्मी है। तो कर देना वीडियो को लाइक। तो चलो फटाफट दिखा दो ज्योमेट्री बॉक्स। तो ढक्कन ओपन किया तो एक काफी बड़ा कंपार्टमेंट मिलता है, और इस कंपार्टमेंट में दो सेक्शन मिलते हैं, और इस सेक्शन में दोस्तों हमें पेंसिल लॉक मिल जाता है। कितने पेंसिल लॉक मिलते हैं चलो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 5 पेंसिल लॉक मिल जाते हैं, काफी जबरदस्त। सबसे अच्छा तो दोस्तों मुझे ये लगा इसमें हमें दो दो पेन स्टैंड भी मिल गया। चलो बंद करते हैं, पीछे वाले ढक्कन को ओपन करते हैं, देखते हैं कितना स्पेस है। पीछे वाले ढक्कन को ओपन किया तो यहाँ पे देख सकते हो काफी बड़ा सेक्शन मिल जाता है, और इस सेक्शन में दोस्तों हमें टेबल देखने को मिल जाती है, गहराई काफी अच्छी है, और काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा इस मिनी जंबो ज्योमेट्री बॉक्स में। तो आपको ये मिनी जंबो ज्योमेट्री बॉक्स कैसी लगी दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें क्या मिला, एक डोरेमोन की ज्योमेट्री बॉक्स, ये भी काफी सुंदर ज्योमेट्री बॉक्स है, काफी प्यारी है। और यहाँ देख सकते हो हमें एक बटन दो बटन मिलता है, साथ ही दोस्तों हमें नेविगेशन मिलता है। इसके ढक्कन को खोलने के लिए दोस्तों लॉक में हमें पासवर्ड डालना पड़ेगा, जब जाके इसका ढक्कन ओपन होगा। तो चलो पहले बटन को दबाते हैं, पहले बटन को दबाया तो शार्पनर ऊपर आ गया, देख सकते हो अगेन दिखाता हूं आपको, पहले बटन को दबाया शार्पनर ऊपर आ गया। चलो सेकंड बटन को दबाया तो सेकंड बटन को दबाते देखो दोस्तों क्या हुआ, नीचे से दोस्तों एक छोटा सा कंपार्टमेंट बाहर आता है, जिसमें गए हम अपनी इरेजर कुछ भी चीज रख सकते हैं। अगेन दिखाता हूं, ये देख सकते हो काफी जबरदस्त सा कंपार्टमेंट बाहर आ गया, यहाँ नेविगेशन मिल गया। चलो इसमें पासवर्ड डालते हैं और देखते हैं ये ज्योमेट्री बॉक्स कैसे ओपन होती है और कितना स्टेशनरी आइटम आ जाता है। तो पासवर्ड क्या है, 258 है, तो 2 को हम पहले सेट कर लेंगे, फिर 5 को भी सेट कर लेंगे, 8 को भी सेट कर लेंगे। तो ऊपर वाला ढक्कन खोलना है तो ऊपर वाले लॉक को दबाएंगे तो लॉक ओपन हो जाएगा। तो यहां देखो दोस्तों इसका पेंसिल लॉक कितना जबरदस्त है, एक कंपार्टमेंट है और इसमें दोस्तों हमें 1 2 3 4 4 पेंसिल लॉक मिल जाता है, स्पेस काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों। चलो बंद करते हैं, नीचे वाले ढक्कन को ओपन करते हैं, नीचे वाले ढक्कन को ओपन करने के लिए तो फिर नीचे वाले बटन को दबाएंगे और फिर ढक्कन ओपन हो जाएगा। और इसकी गहराई देखो दोस्तों काफी अच्छी गहराई है, और काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा ज्योमेट्री बॉक्स में। और इसमें देख सकते हो हमें टेबल देखने को मिल जाती है, काफी अच्छी ज्योमेट्री बॉक्स है, डोरेमोन की ज्योमेट्री बॉक्स है दोस्तों। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें ये क्या मिली, एक बाइक वाला क्या है ये पेंसिल शार्पनर, अरे बॉय, और ये BMW की बाइक लग रही है मुझे तो। चलो फटाफट निकालते बॉक्स से, देखते हैं ये बाइक कैसी है और कैसे यूज होती है। तो निकाल लेते बॉक्स से, तो ये देखो दोस्तों इसकी क्वालिटी कितनी जबरदस्त है, कितनी अच्छी क्वालिटी के दोस्तों ये शार्पनर है। और यहाँ देखो दोस्तों सेटिंग मिल जाती है, जिससे दोस्तों हम अपनी पेंसिल को कितनी मोटी और कितनी पतली छीलनी है उसकी सेटिंग कर सकते हैं इस पेंसिल शार्पनर में। यहाँ से दोस्तों हम पेंसिल को डालेंगे, फिर पेंसिल को इस तरह से शार्प करेंगे। और सबसे अच्छी बात है इसमें गाइस नीचे काफी बड़ा कंटेनर मिल जाता है, ये देख सकते हो, जिसमें सारा कूड़ा आ जाएगा। और सबसे अच्छी बात ये भी है इसके व्हील घूमते हैं, जिससे गाइस हम अपना टाइम पास भी कर सकते हैं इस बाइक के साथ। ये काफी अच्छा शार्पनर है, मुझे तो इसका ये सेक्शन मिला ना, यानी जो ये सेटिंग मिली ये मुझे काफी अच्छी लगी। हमें अपनी पेंसिल को कितनी मोटी और कितनी पतली छीलनी है ये इस तरह सेट कर देंगे, फिर पेंसिल को डालेंगे, फिर पेंसिल को शार्प करेंगे। तो चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलती है छोटी सी यूनिकॉर्न की स्टेशनरी सेट, और ये देखो दोस्तों, और इस स्टेशनरी सेट में हमें क्या क्या चीजें मिलती है आप देख सकते हो ऊपर से ही। तो चलो फटाफट फाड़ी लेता हूं, फिर आपको 1x1 दिखाता हूं ये पूरा सेट। तो सबसे पहले तो देखो दोस्तों इसमें हमें क्या मिलता है, तो इसके अंदर दोस्तों हमें मिलता है एक रूलर मिल जाता है 15 सेंटीमीटर का, काफी कलरफुल रूलर मिल जाता है और फ्लेक्सिबल रूलर, और दोनों साइड दोस्तों हमें 15 सेंटीमीटर के रूलर मिल जाते हैं, काफी अच्छा रूलर मिल गया। और क्या मिलता है इसके अंदर, तो इसके अंदर दोस्तों हमें मिलता है एक शार्पनर, ये देख सकते हो ग्रीन कलर का शार्पनर मिल जाता है काफी अच्छी क्वालिटी का। और क्या मिलता है इसके अंदर, और इसके अंदर मिलती है हमें दो दो पेंसिल, ये देख सकते हो दोनों पेंसिल का कलर बिल्कुल अलग दिख रहा है, ये देख सकते हो, और गोल पेंसिल मिलती है। साइज की बात करें तो साइज भी काफी अच्छा है, दोनों पेंसिल के पीछे दोस्तों हमें इरेजर मिल जाती है, देख सकते हो, दोनों पेंसिल के ऊपर दोस्तों हमें यूनिकॉर्न की फोटो देखने को मिल जाती है। और क्या मिलता है इस सेट के अंदर, तो इस सेट में दोस्तों हमें मिलती है एक इरेजर, ये देख सकते हो एक इरेजर मिल जाता है यूनिकॉर्न घोड़े के लुक में दोस्तों, देख सकते हो काफी अच्छी क्वालिटी के दोस्तों इरेजर मिल जाती है, और काफी बड़ी इरेजर भी मिल जाती है। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें क्या मिला, एक आइसक्रीम सेट
और ये तो है एक आइसक्रीम वाली डायरी। अरे वाह काफी अच्छी डायरी है और पेजेस देख सकते हो कितने सारे पेजेस है। तो यहाँ देख सकते हो आइसक्रीम लुक बना है 3D लुक में, पूरे आइसक्रीम पे दोस्तों ग्लिटर चिपके हैं जो काफी गुड लुकिंग बना रहा है इस डायरी को। तो डायरी ओपन करते हैं, तो डायरी ओपन किया तो इसके पेजेस देखो दोस्तों आइसक्रीम लुक में और सारे पेजेस पे देखो दोस्तों आइसक्रीम का डिजाइन बना है, ये तो काफी जबरदस्त। और ये देखो दोस्तों इन सारे पेजेस को हटाते हैं तो सेकंड पेजेस देखो दोस्तों कैसे है, काफी स्टाइलिश पेजेस मिल जाते हैं। और इन सारे पेजेस को हटाते हैं तो नीचे दोस्तों थर्ड तरह के पेजेस मिल जाते हैं दोस्तों, ये तो काफी जबरदस्त है। काफी सारे पेजेस मिल जाते हैं इस डायरी में और काफी अच्छी डायरी है दोस्तों, डिजाइनदार दोस्तों हमें पेजेस मिल गए और डिफरेंट टाइप के दोस्तों पेजेस मिल जाते हैं इस डायरी के अंदर। सबसे अच्छी बात है 180 रोटेट भी हो जाती है काफी इजीली सी ये डायरी देख सकते हो। तो आपको ये आइसक्रीम वाली डायरी कैसी लगी दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें ये क्या मिला, एक यूनिकॉर्न का ये क्या पेन लग रहा है मुझे तो ये। और यहां देखो दोस्तों एक बटन मिलता है, इस बटन को ऑन किया तो इसमें से लाइट जल गई और बीच में देखो दोस्तों लिक्विड और ग्लिटर और सीक्वेंस भरे हैं जो काफी अट्रैक्टिव बना रहा है इस पेन को, ये तो काफी जबरदस्त पेन है। चलो ढक्कन ओपन करते हैं देखते हैं कैसी टिप है। और ये देखो दोस्तों टिप काफी अच्छी टिप है दोस्तों, ब्लैक कलर का चल रहा है ये पेन तो यार काफी अच्छा पेन है, काफी जबरदस्त पेन है और काफी अट्रैक्टिव भी लग रहा है ये यूनिकॉर्न का पेन। और जो इसमें लाइट जल रही है ना ये भी काफी अच्छी लग रही है दोस्तों। चलो बंद करते और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें क्या मिली, ये एक एक्सप्रेस ट्रेन वाली ज्योमेट्री बॉक्स और नीचे देखो दोस्तों हमें व्हील मिल जाते हैं। ढक्कन ओपन करते हैं देखते हैं कितना स्पेस है। उससे पहले देखो दोस्तों फ्रंट में दोस्तों हमें लिक्विड भरा और इसके अंदर टर्टल तैर रहा है देख सकते हो। अरे वाह ये देख सकते हो काफी जबरदस्त है यार, काफी अमेजिंग लग रहा है ये लुक तो। और पीछे देखो दोस्तों हमें क्या मिला, पीछे वाले बोनेट में दोस्तों हमें शार्पनर मिल जाता है ये देख सकते हो, शार्पनर कंपार्टमेंट मिल गया। चलो ढक्कन ओपन करते हैं, ढक्कन ओपन करते हैं यहाँ देख सकते हो एक कंपार्टमेंट है, इस कंपार्टमेंट में दो सेक्शन है और एक सेक्शन में दोस्तों हमें एक दो तीन तीन पेंसिल लॉक मिल जाता है। काफी अच्छा स्पेस है, काफी गहरा स्पेस है, व्हील भी मिल गए जिससे गाइस हम अपना टाइम पास कर सकते हैं। पीछे वाले ढक्कन को ओपन करते हैं देखते हैं कितना स्पेस है। पीछे वाले ढक्कन को ओपन किया तो यहाँ पे भी एक कंपार्टमेंट है, इस कंपार्टमेंट की गहराई काफी अच्छी है और काफी सारे स्टेशनरी आइटम आ जाएगा ज्योमेट्री बॉक्स में। काफी प्यारी ज्योमेट्री बॉक्स है, ट्रेन ज्योमेट्री बॉक्स है दोस्तों। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलती है एक कार दोस्तों, कार वाली ज्योमेट्री बॉक्स है और ये मेटल की ज्योमेट्री बॉक्स है। चलो ओपन करते हैं देखते हैं कितना स्पेस है ज्योमेट्री बॉक्स में। तो ढक्कन ओपन किया, ढक्कन ओपन करते ये देखो दोस्तों इसके अंदर मिलता है एक दो तीन तीन सेक्शन मिलता है, नीचे वाला सेक्शन काफी बड़ा है, बीच वाले सेक्शन में काफी अच्छा स्पेस है और बीच वाले सेक्शन में दोस्तों हमें यहाँ टेबल देखने को मिल जाते हैं। ऊपर दोस्तों एक लॉक है और ये लॉक नहीं है दोस्तों, ये है गाइस एक बुक स्टैंड दोस्तों, नीचे देख सकते हो लॉक मिल जाता है। इन दोनों लॉक को इस तरह ओपन करेंगे और फिर हम अपनी बुक को काफी इजीली से रख के काफी अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। बुक स्टैंड मिल जाते हैं ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर, काफी अच्छी ज्योमेट्री बॉक्स है, काफी प्यारी है दोस्तों, लुक भी काफी जबरदस्त है, कलर कॉम्बिनेशन भी काफी अच्छा है पेंसिल बॉक्स का दोस्तों, काफी अच्छी ज्योमेट्री बॉक्स है। सुपर रेसिंग कार लुक में दोस्तों ज्योमेट्री बॉक्स देख सकते हो, अंदर पता ही नहीं चल रहा कि इसके अंदर गाइस हमें बुक स्टैंड भी मिलेगा देख सकते हो, काफी अच्छी ज्योमेट्री बॉक्स है। चल साइड रखते और देखते हैं दोस्तों क्या मिलता है इसके अंदर। तो इसके अंदर मिलता है हमें एक फायर टूर्नामेंट का पेंसिल पाउच, ये देख सकते हो काफी अच्छा पेंसिल पाउच है, आर्मी लुक कलर में दोस्तों पेंसिल पाउच है। यहाँ दोस्तों एक छोटा सा लॉक मिलता है, इस लॉक को ओपन करते हैं दोस्तों, फिर इसका कवर ओपन होगा, कवर ओपन होते ही देख सकते हो यहाँ गाइस एक पॉकेट मिल जाता है नेट वाला, जिसमें गाइस हमारा काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा। चलो मेन जिप को ओपन करते हैं, मेन जिप को भी ओपन अच्छे से कर लेते हैं। तो ये देखो दोस्तों इसके अंदर का स्पेस काफी अच्छा स्पेस है, काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों, फायर टूर्नामेंट की पेंसिल पाउच है दोस्तों। चलो साइड रखते और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों ये क्या है दोस्तों, एक यूनिकॉर्न का पेंसिल पाउच और इस पेंसिल पाउच में देखो दोस्तों कितने सारे ग्लिटर भरे हैं और सीक्वेंस भरे हैं। और जैसे ही मैंने ये खड़ी करी पेंसिल पाउच, सारे ग्लिटर सीक्वेंस नीचे जाने लग गए दोस्तों, और काफी अच्छा भी लग रहा है, काफी गुड लुकिंग भी लग रहा है ये तो। और सबसे अच्छी बात हम टाइम पास भी कर सकते हैं। और इसकी जिप देखो दोस्तों कितनी कलरफुल जिप है यार, ये देख सकते हो काफी अच्छी जिप है और काफी सुंदर है गाइस, ऐसी जिप तो दोस्तों हमें किसी भी पेंसिल पाउच में नहीं मिलती है। चलो ओपन करते हैं देखते हैं कितना स्पेस है, जिप भी देख सकते हो कितना इजीली से ओपन हो रही है और अंदर का इंटरफेस देखो दोस्तों कितना जबरदस्त है। यहाँ देख सकते हो छोटा सा नेट वाला पॉकेट मिल जाता है, एक जिप वाला पॉकेट मिल जाता है ये देख सकते हो, इसमें भी काफी अच्छा स्पेस है, काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हो दोस्तों हमें एक दो तीन चार पांच छह पॉकेट मिल जाते हैं, जिसमें गाइस हम पेन और पेंसिल को लॉक करके रख सकते हैं। वो कैसे, चलो मैं दिखाता हूँ। तो एक पेन पेंसिल निकालता हूँ, तो ये देखो दोस्तों एक पेंसिल ले लेता हूँ अच्छे से और इसमें गाइस हम अपनी पेंसिल
पेंसिल को कुछ इस तरह से लॉक करके रख सकते हैं। ये देख सकते हो, इस तरह से अच्छे से लॉक करके रख सकते हैं, काफी अच्छा और काफी सारे पॉकेट भी मिल जाते हैं। इसे हटाते हैं यानी इस वाले कंपार्टमेंट को, इसके पीछे भी दोस्तों हमें एक पॉकेट मिल जाता है। ये देख सकते हो, इसमें भी काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों। इस वाले कंपार्टमेंट में भी काफी अच्छा स्पेस है और काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा। काफी सुंदर पेंसिल पाउच है, काफी बड़ी पेंसिल पाउच है दोस्तों। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलती है एक और ज्योमेट्री बॉक्स। ये भी ज्योमेट्री बॉक्स काफी अच्छी है, काफी प्यारी ज्योमेट्री बॉक्स है। तो इसका लॉक देखो दोस्तों कितना जबरदस्त है। लॉक ओपन किया, उससे पहले देखो दोस्तों हमें यहाँ एक लॉक मिलता है जिससे काफी इजी से कैरी कर सकते हैं, यानी हैंडल मिलता है इस ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर। ये तो काफी अच्छी ज्योमेट्री बॉक्स है। चलो लॉक ओपन करते हैं, देखते कितना स्पेस है। तो लॉक ओपन किया तो यहाँ एक ट्रे है, ट्रे पे दोस्तों हमें 1 2 3 4 5 पेंसिल लॉक मिल जाता है। स्पेस काफी अच्छा है, काफी सारे स्टेशनरी आइटम आ जाएगा। और ट्रे को हटाते हैं तो ट्रे देख सकते हो अटैच है हमारी ज्योमेट्री बॉक्स के साथ, काफी जबरदस्त है। यहाँ देख सकते हो कंपार्टमेंट है, इस कंपार्टमेंट की गहराई काफी अच्छी है, काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों। काफी सुंदर ज्योमेट्री बॉक्स है। सबसे अच्छा तो मुझे ये लगा इसमें गाइस एक हैंडल है जिससे काफी इजी से कैरी करके चल सकते हैं ज्योमेट्री बॉक्स को। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें क्या मिला, एक कैमरा दोस्तों। अरे वाह, और ये कैमरा नहीं है, ये तो है एक करेक्शन टेप कैमरे वाला। आ रहा है वाह, ये तो काफी जबरदस्त है। और सबसे अच्छी बात है इसमें एक हैंडल मिल जाता है जिससे काफी इजी से कैरी करके चल सकते हैं इस कैमरे को दोस्तों। चलो देखते हैं करेक्शन टिप कैसा है। तो ढक्कन ओपन किया तो ढक्कन ओपन करते ही देख सकते हो इसके अंदर का करेक्शन टिप, काफी जबरदस्त करेक्शन टेप है और काफी यूनिक करेक्शन टेप है दोस्तों। ये देख सकते हो, मुझे तो काफी जबरदस्त लगा। आपको कैसा लगा ये करेक्शन टेप दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें ये क्या मिला, एक हेलो किटी की ज्योमेट्री बॉक्स। ये ज्योमेट्री बॉक्स भी काफी अच्छी है। यहां देख सकते हो एक लॉक है, इस लॉक को ओपन किया तो ये देखो दोस्तों इसमें मिलता हमें शार्पनर कंपार्टमेंट। ये देखो दोस्तों काफी अच्छा शार्पनर कंपार्टमेंट मिल गया। और यहाँ पे दोस्तों एक लॉक है, इस लॉक को भी ओपन किया तो ये है इरेजर कंपार्टमेंट दोस्तों। यहाँ देख सकते हो शार्पनर मिल गया और ये इरेजर कंपार्टमेंट मिल गया दोस्तों इसके अंदर। ये तो काफी जबरदस्त है। और ये देखो दोस्तों ये बन गए हमारे ज्योमेट्री बॉक्स के कान, ये देख सकते हो काफी अमेजिंग यार। और यहां देख सकते हो, चलो ढक्कन ओपन करते हैं, देखते कितना स्पेस है। ढक्कन ओपन किया तो इसमें देखो दोस्तों हमें मिलता है एक कैलकुलेटर। अरे वाह, कैलकुलेटर मिल गया और काफी बड़ा कैलकुलेटर मिल गया। और कैलकुलेटर तो 60 रोटेट भी हो रहा है, ये देख सकते हो 360 रोटेट होने वाला कैलकुलेटर मिल गया दोस्तों। चलो इसे बंद करते हैं, पीछे वाले ढक्कन को ओपन करते हैं, पीछे वाले नेक्स्ट ढक्कन को ओपन करते हैं। तो यहां देख सकते हो एक कंपार्टमेंट है, इस कंपार्टमेंट में दोस्तों हमें 1 2 3 3 सेक्शन मिलते हैं और एक सेक्शन में दोस्तों हमें पेंसिल लॉक मिल जाता है। ये देख सकते हो काफी सारे पेंसिल लॉक मिल गए, काफी अच्छी ज्योमेट्री बॉक्स है। चलो बंद करते हैं, पीछे वाले ढक्कन को ओपन करते हैं, पीछे वाले ढक्कन को ओपन किया तो यहां देख सकते हो एक कंपार्टमेंट है, काफी सारा स्पेस है, काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों। तो आपको हेलो किटी का ये ज्योमेट्री बॉक्स कैसी लगी दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलती है एक बाइक वाली ज्योमेट्री बॉक्स। ये ज्योमेट्री बॉक्स भी काफी जबरदस्त है, काफी अच्छी है दोस्तों। चलो ढक्कन ओपन करते हैं, देखते कितना स्पेस है। तो लॉक ओपन किया तो यहाँ देख सकते हो ट्रे, ट्रे पे दोस्तों हमें 1 2 3 4 पेंसिल लॉक मिल जाता है, स्पेस काफी अच्छा है। ट्रे को हटाते हैं तो नीचे देखो दोस्तों एक कंपार्टमेंट, इस कंपार्टमेंट की गहराई काफी अच्छी है, काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा। और देख सकते हो दो दो बाइक बन गई, ये तो काफी जबरदस्त है, काफी अच्छी लुक में दोस्तों ज्योमेट्री बॉक्स है। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें ये क्या मिला दोस्तों, तो ये तो है एक गाइस गन। और ये गन नहीं है दोस्तों, ये कुछ और लग रहा है मुझे, तो देखते हैं क्या है। तो इसे इस तरह ओपन किया तो ये तो दोस्तों गन ही लग रही है यार, ये गन नहीं है दोस्तों। तो ये देखो दोस्तों यहाँ ढक्कन है, ढक्कन को ओपन किया तो ये देखो दोस्तों इसमें मिलता हमें एक पेन। ये देख सकते हो काफी अच्छा पेन मिल जाता है, काफी प्यारा पेन मिल जाता है, गन लुक में पेन है। चलो साइड रखते और देखते हैं क्या मिलता है इसके अंदर। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें क्या मिली, एक ज्योमेट्री बॉक्स। ये भी मेटल की ज्योमेट्री बॉक्स है और इसके अंदर से कुछ आवाज आ रही है। चलो देखते हैं क्या आवाज आ रही है और कैसी आवाज आ रही है, क्या चीज मिलती है। तो ढक्कन ओपन किया तो इसके अंदर देखो दोस्तों हमें एक और छोटी सी ज्योमेट्री बॉक्स मिलती है, ये देख सकते हो। और इसके स्पेस की बात करें, काफी अच्छा स्पेस है, काफी सारे स्टेशनरी आइटम आ जाएगा, देख सकते हो। छोटी सी ज्योमेट्री बॉक्स मिल गई। और यहाँ देखो दोस्तों ट्रे, ट्रे पे दोस्तों हमें टेबल देखने को मिल जाती है, स्पेस काफी अच्छा है। और इसे हटाते तो नीचे कंपार्टमेंट, इस कंपार्टमेंट की गहराई काफी अच्छी है और काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों इस ज्योमेट्री बॉक्स की, मेटल की ज्योमेट्री बॉक्स है। चलो साइड रखते और क्या मिलता है इस बॉक्स में। तो बॉक्स हो गया खाली, इस बॉक्स में तो आज हमें एक से बढ़ के एक स्टेशनरी आइटम मिली। जैसे मुझे तो सबसे अच्छा, सच बताऊं ये कैंडी वाले हाईलाइटर मार्कर सेट बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। और एक दोस्तों हमें सबसे पहले मिला था बनाना, यानी बनाने वाला इरेजर, ये देख सकते हो, ये भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा था। आपको कैसा लगा दोस्तों ये बनाने वाला इरेजर दोस्तों, और ये कैंडी वाला हाईलाइटर मार्कर सेट दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो कर देना वीडियो को लाइक। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो साथ अच्छे से कलेक्शन के साथ, अच्छे से अनबॉक्सिंग के साथ, अच्छी वीडियो के साथ। जब तक बाय बाय दोस्तों।